हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अकरम। आज के इस वीडियो में मैं आपको रैम कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको मेमोरी इन्फो स्वैप चेक नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी की इन्फो आ जाएगी, कितनी फ्री है, जैसे एसडी कार्ड, इंटरनल। तो नीचे स्टार्ट रैम एक्सपेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी आप पाथ चूज़ कर लीजिए, जैसे जिसमें ज़्यादा फ्री हो। करते ही यहाँ क्रिएटिंग स्वैप फाइल चालू हो जाएगा, मतलब ये फिजिकली आपके लिए एक रैम बना देता है आपकी एसडी कार्ड और इंटरनल मेमोरी से स्पेस लेके। टैप पे क्लिक करेंगे, ये कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका है, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। गेट इट ऑन मार्केट नाउ। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है रैम एक्सपेंडर का, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये 150 रुपीज़ का है, आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिंक दी गई है ऊपर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइज वैल्यू भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्वैप फाइल का जो है, इधर कितना एमबी आपको लेना है स्वैप फाइल में, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब स्लाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर स्वैप एक्टिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी पाथ फिर से चूज़ कर लेंगे, जिसमें से आपको स्वैप फाइल मतलब रैम बनाना है, या ओके। मतलब क्या ये एक फिज़िकली आपके लिए रैम बना देता है, जिससे आपकी गेमिंग स्पीड बढ़ जाती है, मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये एक ट्रिक है जिसे आप रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस में कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखो कि आपका मेमोरी कार्ड क्लास 6 और 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही अच्छे से काम करेगा। ओके, ये हो चुका है, नो पे क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है यहाँ नीचे व्यू मेमोरी, 1 GB यहाँ आ चुका है। ये मेमोरी इन्फो, ओके। ये एसडी कार्ड में 265 है, पहले 367 था। ओके, इस तरह से जैसे यहाँ दिख रहा है रैम 137 ही है, बाकी नीचे ये 1 GB जितना आ चुका है स्वैप फाइल, मतलब रैम की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल हिंदी टेक को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।